हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, बड़े होंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं करने वाला हूँ आप कैसे फीमेल हेयर ड्रॉ कर सकते हो। इससे पहले वीडियो में कैसे मेल हेयर एंड बियर्ड ड्रॉ कर सकते हो वो बताया है। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो पर मैं कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो भी बताया। तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस ड्राइंग के लिए मैं यूज करूँगा नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। सो फ्रेंड्स, मेरा आउटलाइन हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं करूँगा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हेयर की डायरेक्शन में एक एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक नॉर्मल सा ब्रश, इससे बहुत स्मूथ शेडिंग हो जाता है। डार्क पोर्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल डस्ट जो मैंने बनाया है। तो कैसे बनाता है वो मैं एक वीडियो में बताया हूँ, तो वो वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बेसिक हाइलाइट के लिए यूज कर रहा हूँ नीडेबल इरेजर, और मैं आगे टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का भी यूज करूँगा। तो देखिए, फ्रेंड्स, मैं हाइलाइटेड हेयर को देने के लिए टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज कर रहा हूँ। हाइलाइटेड हेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए, तो हाइलाइटेड देना ही चाहिए। फ्रेंड्स, तो हेयर जो बाहर की तरफ होता है, तो एक हेयर तो उसे देना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसे देने के बाद बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट मिलता है। तो आप जब भी हेयर बनाएंगे तो ये सब हेयर ज़रूर देना।
तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।